हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी 3 दिन ही हुए हैं मैं घर से आया हूँ। नवरात्रि की छुट्टियाँ थी वो पूरी हो गई, फिर वापस आया घर पर। तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ, अभी निकलता हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद रूम पे आके आज मैं दिखाने वाला हूँ अपना ये रूम जिस पे मैं पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि शायद इस बार ही दिवाली की छुट्टियां होगी, दिवाली वेकेशन होगा, और वो जब पूरा होगा वापस मैं आऊँगा तो शायद मैं इस रूम में नहीं रहने वाला, क्योंकि इस रूम को बदल कर मैं जाने वाला हूँ दूसरे रूम में। अब तक मैं अकेला था पिछले 5 साल से, यहाँ पर अकेला ही रह रहा था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दिवाली के बाद मैं फैमिली को ले आऊँ और किसी और रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये रूम मेरी लाइफ टाइम की मेमोरी बनी रहे, इसीलिए मैं इस रूम का वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, तो फिर अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय की बहुत तड़प है तो पीनी ज़रूरी है सुबह सुबह। वैसे भी मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। 1 hour later। तो फ्रेंड्स, होटल से वापस आने के बाद कपड़े भी धो लिए हैं और अब बनाते हैं रूम का वीडियो। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा मकान और ये वाला जो रूम है वो है मेरे दोस्त आतिफ का, और वो वाला जो रूम है पास में वो रूम है मेरा। तो बाहर से कुछ इस टाइप से दिखता है मेरा रूम। तो चलते हैं अभी रूम के अंदर। तो ये फ्रंट गेट दरवाज़ा, इस पर कुछ इस टाइप की डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खाट है जिस पर मैं सोता हूँ, और ये चादर है, ये धड़की है लेकिन मैंने उल्टी पलट दी है। इसके पीछे वाली डिज़ाइन बहुत मस्त है, आगे वाली कुछ इतनी ज़्यादा है नहीं। वो मेरा पिलो, और ये है सोफ़ा जो कि इस रूम के मालिक का ही है। तो यहाँ मेरी एक बैग पड़ी है, उसके ऊपर मेरा ट्राइपॉड है, वो दूसरी बैग है, वो लेके मैं अक्सर घर जाता हूँ तो उसके अंदर मेरा सामान होता है। इसके अंदर मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, पास में हेलमेट है, और वो पी रमेश एंड सन्स वाला लिखी हुई थैली है, तो उसमें मेरा स्वेटर है, मतलब जैकेट है कि जब ठंड होगी सर्द की ऋतु उस वक्त मैं पहनता हूँ। और ये पास में चार्जर है, मतलब बोर्ड लगाया हुआ है, मैं रात को जब भी सोता हूँ या तो मोबाइल चार्जिंग वगैरह करना हो तो वहाँ चार्ज में लगा के पास में रख देता हूँ। उसके पास मेरा रूमाल पड़ा हुआ है, और ये जो सामने है वो पास जाके मैं दिखाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है क्लियर का ऑयल, इसके पास है बॉडी लोशन, और वो पॉन्ड्स का पाउडर, और ये सैनिटाइज़र, ये वाला जिसको कभी कभी ज़रूरियात होती हैं, वो मेरा बॉडी स्प्रे है, ये कुछ दवाइयां हैं। तो कुछ सामान मेरा यहाँ विंडो के पास में पड़ा है और कुछ सामान यहाँ है, ये जो छोटा सा स्टैंड है उसके अंदर रखता हूँ। तो ये कुछ सामान है, मेरी पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, और ये मेरे दो गॉगल्स, कुछ दवाइयां हैं, और ये विक्स सर्दी जुकाम हो तो, शैम्पू, ग्लू, और ये कुछ पड़ा हुआ है, नीचे वाले के अंदर भी है कुछ, और सबसे लास्ट में वहाँ पर माचिस है, यहाँ पर मेरे पानी की 2 बोतल है, और पास में कांच का ग्लास भी है जिसका मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ कोई कामकाज हो तो। तो कुछ इस टाइप का है मेरा रूम। तो यहाँ मेरे रूम में एक बेड भी है, ये जो कि डबल बेड है, बहुत ही मस्त है, जो इस रूम का जो मालिक है उसी का है, मेरा नहीं है, ये बहुत ही मस्त है। वैसे मैं इस पर सो सकता हूँ लेकिन मुझे अपने खाट पे बहुत मज़ा आती है, पलंग पे नहीं, तो ये ऐसे ही पड़ा है। ज़्यादातर इस पे सामान रखे देते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। ये मेरे इलेक्शन की बैग है जिसमें मेरे इलेक्शन के कागजात हैं, और ये प्रेस है जो मेरे दोस्त की है, जो इसकी भी कभी कभी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक विंडो है, इस विंडो से मैं खावड़ा के हाईवे तक देख सकता हूँ,
यानी ये व्यू मेरा आखिरी बाज़ार तक जाता है, वहाँ लास्ट में। तो मतलब कोई भी मेरा फ्रेंड आए तो मैं यहाँ से उसे देख सकता हूँ, और ये विंडो है वो सीधे बाज़ार की ओर खुलती है। तो एक विंडो ये है और इसके पास में ये दूसरी विंडो है। तो यहाँ पीछे घर है, जो कि इस विंडो की खास इतनी कोई मैं यूज़ करता नहीं हूँ। कभी कभी अकेला जब होता हूँ तो फिर देखते हैं विंडो के बाहर, बाकी टाइम तो ये सिर्फ ठंडी हवा ही देती है। इसके सिवाय ये एक कबाट है, जो एक और आईना लगा हुआ है, दूसरी ओर कोई ईदगाह है, पता नहीं है कौन सी, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो ये एक बहुत ही मस्त कबाट है यहाँ पर। तो फिर आगे जाए तो यहाँ पर हैंगर है, जिस पर हर रोज़ कपड़े टिंगे होते हैं, लेकिन आज संडे है तो मैंने वो धोने के लिए रख दिया है। और ये बेल्ट, यहाँ पर कंघी वगैरह पड़ी रहती हैं। और यहाँ पर दो हैंगर लगाए हुए हैं, जिसमें ये एक थैली है, इसके अंदर बहुत अच्छी किताब है, मैं दिखाता हूँ। तो ये वो किताब है चमत्कार, जिसका नाम है, गुजराती एडिशन है और रोंडा बर्न है उनकी है। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तो इससे मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही मस्त किताब है। और एक दोस्त ने गिफ्ट की थी जब मैं होड़को गया था तब। तो फिर आगे जाए तो ये बोर्ड है 3 फिन वाला, जो कि मेरे कुछ काम का है नहीं, इलेक्ट्रिक मैं इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं। यहाँ पर फिर एक विंडो है, मेरे रूम में 4 विंडो है, तो ये तीसरे नंबर की विंडो है। यहाँ से आगे की ओर दिखता है, यहाँ जहाँ पर पूरी गैलरी है वहाँ पर हम घूमते फिरते रहते हैं, और सामने भी घर है। और यहाँ पास में ही तो उसके अंदर मेरे ब्रश और कोलगेट वगैरह जो है पेस्ट वो होती रहती है इसके अंदर। और ये एक दोरी लगा दी है मैंने, जिस पर टुअल या गीले कपड़े होते हैं, तो यहाँ लगा देता हूँ। और छत पे ये एक फ़ैन है जो मुझे हवा देता है, और दोनों ओर दो ओबराई है, तो कुछ सामान है नहीं, इस पर एक पाइप और मोटर पड़ी हुई है, और ये दूसरी है उस पर एक कागज़ पड़ा हुआ है, और ये मेरे हेलमेट का बॉक्स है और मॉस्किटोज़ की अगरबत्ती है। और यहाँ पर ट्यूबलाइट है और 0 वोल्ट का बल्ब है, और वहाँ पर वो कोने में गद्दे पड़े हुए हैं जो मेरा है, एक सुनील का है। तो अभी शाम हो चुकी है और करते हैं हम डिनर बनाने की तैयारी, और मैं अभी छत पे खड़ा हूँ, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, बहुत ही मस्त लग रहा है पीछे की ओर, पिंक पिंक। और देखो यहाँ पर ऊपर अभी पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत ही मस्त। तो ये व्यू दिखता है मेरा रूम से यहाँ से। तो वो है शरद पूर्णिमा का चांद, अभी अभी निकला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ब्लर हो गया सब। तो शाम हो चुकी है और अभी करते हैं खाने की तैयारी। वैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आज मैंने आपको मेरा रूम दिखाया कि कैसा दिखता है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।